सो गाइस अभी रात के बज रहे हैं 11:10 का टाइम हो रहा है और बस अभी मैं बेडशीट वगैरह ठीक कर रही हूँ अपने रूम की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई थी और यहाँ पे बिस्किट बिस्किट सारे सब कुछ पड़े हुए थे टूटे हुए, क्योंकि होरेन ने भी खाए थे तो पूरे मैं फैला देती, इसलिए मैं उसको ज़्यादातर नीचे ही बिठाती हूँ, बेड के ऊपर नहीं बिठाती हूँ, क्योंकि अगर बेड के ऊपर बिठाती हूँ ना तो पूरे बेडशीट के ऊपर फिर वो जो है ना बिस्किट ही बिस्किट हो जाते हैं, छार छार बन जाती है उनकी, फिर जो है ना झड़ाने में भी दिक्कत आती है, तो इसलिए जो है ना ज़्यादातर मैं उसको नीचे ही बिठाती हूँ जब उसको कुछ खिलाती हूँ, तो अगर वो अपने हाथों से खाती है ना तो फिर वो पूरे में फैला देती है। ये तो सारे ही बच्चे करते हैं, मैं भी क्या शिकायत लेके बैठ गई हूँ, शिकायत नहीं कर रही हूँ मैं सिर्फ बता रही हूँ आप लोगों को। तो बस ये बेडशीट वगैरह ठीक करूँगी लगाऊंगी, क्योंकि रात में सोने से पहले बेडशीट को झटकारना, क्या बोलते हैं आप लोग, झटकारना फटकारना या फिर झड़ाना, हम लोग ज़्यादातर बोलते हैं झड़ाना या फटकार भी बोलते हैं उसको, तो रात में सही रहता है, रात में बिस्तर झड़ा के ही सोना चाहिए, क्योंकि बच्चों का साथ है, चींटी वीटी आ जाती है बिस्तर के ऊपर, तो इसलिए जो है ना रात में झड़ा के ही सोती हूँ मैं। और अभी तो हो रहा है अपने मानी के साथ में खेल रही है, वो उन्हीं के रूम में है, ज़्यादातर वो उन्हीं के ही पास रहती है, तो इसलिए वो अपनी मामाने के साथ में खेल रही है, मामू के साथ में उन्हीं के रूम में खेल रही है, तो तब तक मैंने सोचा जब तक है नहीं तब तक मैं अपना रूम को क्लीन कर लेती हूँ। और अभी जस्ट मैंने सारे छोटे छोटे बिस्किट वगैरह सब कुछ समेट के बाहर डाले हैं एक साइड में, ताकि चींटी वगैरह खा जाए। रात का मेरा रूटीन सिर्फ यही रहता है, बेडशीट को झड़ाना, और अभी बस जस्ट मैंने खाना खाया है, आज लेट हो गए थे खाना खाने में क्योंकि भूख नहीं थी, आज लेट ही खाना खाया था मैंने, तो अब मैं रात का खाना भी और मैंने ज़्यादा लेट कर लिया, तो 11:15 का टाइम हो रहा है, तो 11:15 भी मैंने खाना खाया है, बर्तन बर्तन धो धो के रखे हैं, और बस बर्तन खाली करे, जो सालन वगैरह रखा हुआ था वो बर्तन खाली करे, फिर उनको धोया तो अभी रख दिए हैं, क्योंकि लेट आज मैं सबसे ज़्यादा हो गई हूँ खाना खाने में, और इन्होंने तो अभी खाया ही नहीं है क्योंकि इनका तो मन ही नहीं है खाने का, तो ये नहीं खा रहे हैं, तो मैंने इनसे पूछ लिया था कि अगर कुछ और बनाना है तो मैं बना दूंगी आपके लिए, लेकिन ये मना कर रहे हैं कि मुझे नहीं खाना है, तो देखते हैं अभी तो ये बैठे हैं आगे, और मम्मी कर रही है किसी से बात, मम्मी को कल जाना है नानी के यहाँ पे डबरा, तो सोच रही है कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, मतलब ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है उनको कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, और देखो कल का हम लोग कुछ प्लान करते हैं, कल हम लोग सोच रहे हैं कहीं जाने का, तो देखते हैं इंशाल्लाह अगर बनता है तो आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे कि कहाँ जाना होता है, कि नहीं भी जा पाते हैं ऐसा कुछ, अभी तो फिलहाल प्लान बना रहे हैं कि कल कहाँ जाना है हमें, तो बस उसी टॉपिक के बारे में जो है बॉय भाई से बात चल रही है कि कल कहीं चलो यार, संडे भी है, कल बढ़िया घूम कर आते हैं, बच्चों को भी अच्छा लगेगा, आलिया इनाया को भी लेकर जाएंगे, भैया और बाजी भी हो सकता है जाएं, तो उनसे भी मतलब पूछ के ही प्लान बनाएंगे, फिर जाते हैं पूरी फैमिली एक साथ में, तो पहले तो मम्मी का डिसाइड हो जाए कि मम्मी नानी के घर जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। मैं बोल रही थी कुछ खाना पीना खा लो उसके बाद दवा खा लेना, लेकिन अभी तो कुछ खाना नहीं है, उनको देखते कब खाएंगे, तो बस अभी यही कर रही थी मैं, बेडशीट देखो आप लोगों से बातें करते करते ठीक हो गई है, और ये होरन के बिस्किट रखे हुए हैं तो मैं इसको यहाँ रखूँगी, क्योंकि वो भी अगर कुछ खाएगी तो खा लेगी, और पता है मैंने 2 दिन से चोटी नहीं की है, 2 दिन से मेरे बाल ऐसे ही कंटिन्यूसली बंधे हुए हैं, बस ऐसे ऐसे हाथों से कर लेती हूँ और ऊपर से बस बना लेती हूँ, तो 2 दिन से मेरे बालों में ना तो ऑयलिंग हुई है ना ही मेरे बालों में कंघी हुई है, बस ऐसे ही चल रहा है। और अभी आप लोग सोचेंगे कि क्यों नहीं करी है, इतना बिज़ी कहाँ पे हो गए, तो भाई अभी थोड़ा सा बिज़ी ही चल रहा है, क्योंकि रूम की सेटिंग वेटिंग में मैं लगी हुई हूँ, और जो भी हम लोग सामान लेकर के आए थे ऊपर सेट किया है सब कुछ, तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि कहाँ पे मैंने क्या क्या कैसे कैसे रखा हुआ है, ठीक है, तो चलो काफ़ी सारी बातें मैंने कर ली,
और गाइस हमारे घर पे एक नई चीज़ आई है, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत है और हुरैन की पसंद का है। तो ये हम लोग फिश टैंक घर से लेकर के आए थे, तो उसमें ना फिश नहीं थी, तो अच्छा नहीं लग रहा था खाली खाली से, तो इसलिए यहाँ पे फिश ला करके डाल दिए और काफ़ी अच्छी लग रही है ये फिश। और एक फिश तो हमारी मर भी गई है, सुबह में देखा तो एक मरी डली हुई थी, तो उसको निकाल करके हटाया है अभी, क्योंकि एक अगर मछली मर जाती है तो फिर सारी मछलियाँ जो है ना इन्फेक्शन हो जाता है पानी के अंदर, तो इसलिए जल्दी से निकाली मछली को। और ये देखो चींटी चुप, इनको ऐसा लगता है कि अभी भी खाना दे रहे हैं इनको, जल्दी जल्दी से मुंह खोलती हैं बार 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 बार। तो अभी इसके अंदर जो है दवा डाली है, ग्रीन कलर में इनकी दवा भी आती है ताकि मछलियों को इन्फेक्शन ना हो। और अभी तो बस फर्स्ट क्लास खेल रही हैं ये, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। अच्छा बैक कैमरा करके दिखाती हूँ आप लोगों को, इनके कलर नहीं दिख रहे होंगे, काफ़ी कलरफुल मछलियाँ लेकर के आई, ऑरेंज है, रेड है, पर्पल है, ग्रीन है। सो गाइज ये देख लीजिए, ये तो एक बड़ा जोड़ा है मछली का, ये दो लेकर के आए थे, और काफ़ी सारी छोटी छोटी मछलियाँ भी हैं यहाँ पे, तो पर्पल, ग्रीन, रेड, येलो, बहुत ही कलरफुल सी हैं, तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। और एक रेड कलर में जो है वो मर गई थी आज सुबह में ही, तो उसको निकाला है। अभी डेकोरेशन के लिए कुछ लेकर नहीं आए हैं, क्योंकि अभी देख रहे थे ये बचती हैं या नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे मछलियाँ जो है जल्दी मर जाती हैं, तो इसलिए जो है ना अभी मैंने कुछ में मंगाया नहीं, अभी सिंपल सा ऐसे स्टोन डाल दिया इसके अंदर और बस ऐसे ही ये चल रही हैं। तो अभी देखते हैं कितना सर्वाइव करती हैं ये, उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी टैंक को, इसमें कुछ सजाने के लिए सामान लेकर के आऊँगी, जो छतरी वगैरह आती है, झोपड़ी टाइप में आती है ना, और ग्रीन एक ग्रास वगैरह आती है, तो वो सारी चीज़ें भी मैं लेकर के आऊँगी। तो देखी ना आप लोगों ने हमारी मछलियाँ, और आगे चल रही थी टीवी तो उसमें सॉन्ग चल रहे थे। चलो मैं फिर से आ गई हूँ अपने रूम के अंदर, ये टॉयज़ वगैरह भी इसके रख देती हूँ, सारी जगह पे हुरैन के टॉयज़ फैले रहते हैं। और अभी मुझे एक और काम करना है, सोना नहीं है, उससे पहले मुझे एक काम करना है कि मुझे ये बेड खोलना है, और इस बेड के अंदर मुझे कुछ सामान रखना है, तो अभी ये आ जाएंगे, उसके बाद इनसे मैं खुलवाऊंगी, क्योंकि हमारा जो मैट्रेस है ना वो भारी सा है, तो वो क्या ना उठ नहीं पाता है मुझसे, या फिर तो बिल्कुल ही इसको हटा के अलग करके रखो, तो दो लोगों की हेल्प चाहिए होती है मुझे इसके अंदर, मैं अकेली नहीं उठा सकती हूँ इसको। बस सिंगल गद्दा होता है तो फिर भी सोच लेता है इंसान कि चलो उठा लो, लेकिन डबल में थोड़ा सा दिक्कत आती है उठाने में।